दोस्तों, हम सब ने अभी तक रानू मंडल के टैलेंट को देखा है और उनकी आवाज को बहुत पसंद किया है और सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें आज बॉलीवुड की सबसे फेमस सिंगर बना दिया। रानू मंडल की आवाज ने एक बार में ही लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। हम सब रानू मंडल की कहानी और उनकी आवाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अब आप एक नई आवाज सुनिए, ये आवाज है फरमानी नाज की। दोस्तों, फरमानी नाज की आवाज को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों को फरमानी नाज की आवाज रानू मंडल से ज्यादा पसंद आ रही है। हाल ही में फरमानी की आवाज सनी देओल के कानों तक जा पहुंची। उनकी आवाज सनी देओल को बेहद पसंद आई और सनी ने उन्हें एक ऑफर दे डाला। सनी ने फरमानी को अपने बेटे करण देओल की फिल्म में एक गाना गाने को बोल दिया है और फरमानी नाज ने उनके ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है। फरमानी को ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था जिससे वो दुनिया में अपना टैलेंट दिखा सके। दोस्तों, ये न्यूज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हाल ही में फरमानी नाज मशहूर चैनल न्यूज 24 में पहुंची थी, जहां फरमानी नाज ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया और उन्होंने अपनी पसंद और नापसंद का भी जिक्र कर दिया। दोस्तों, जब फरमानी नाज से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किस सिंगर का गाना सुनना पसंद करती हैं, तो फरमानी नाज ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं लता जी के गाने बहुत सुनती हूँ, मुझे उनके गाने एक बार में सुनते ही याद हो जाते हैं। साथ ही फरमानी ने लता जी का गाना भी गाया जो लता जी की आवाज से मैच नहीं था, लेकिन फरमानी की आवाज में भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि फरमानी नाज दीपिका पादुकोण के लिए गाना गाना चाहती हैं। इस बात का खुलासा खुद फरमानी नाज ने इंटरव्यू के दौरान किया। फरमानी ने कहा कि मेरी फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण है, अगर मुझे किसी हीरोइन के लिए गाना गाने का मौका मिले तो मैं दीपिका के लिए गाना चाहूंगी। साथ ही फरमानी ने दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी का सॉन्ग भी गाया। इसके साथ फरमानी ने ये भी बताया कि वह पुराने नए हर टाइप के गाने सुनती है और गाती भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नेहा कक्कड़ की तरह फेमस होना चाहती हूँ। दोस्तों, नेहा कक्कड़ एक रॉक स्टार सिंगर है। नेहा कक्कड़ की आवाज बहुत मीठी है, उनका अपना अलग अंदाज है। नेहा कक्कड़ ज्यादातर हिंदी सॉन्ग के रिमिक्स गाती है। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी गाने का ऑफर नेहा कक्कड़ के पास आता था, उसके बाद ही किसी और सिंगर के पास जाता था। कुछ दिन पहले नेहा को एक महिला ने गाना गाने में जोरदार टक्कर दी है, जिसका नाम है रानू मंडल। रानू मंडल के आने से नेहा कक्कड़ का करियर ठप हो गया था और वो अपने करियर को लेकर काफी परेशान थी। और हाल ही में फरमानी नाज ने भी नेहा को चैलेंज कर दिया है। दोस्तों, फरमानी नाज ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। लोग फरमानी नाज की आवाज को काफी पसंद कर रहे हैं। खबरों की माने तो फरमानी नाज की एंट्री बहुत जल्द ही बॉलीवुड में होने वाली है। अब नेहा कक्कड़ को चैलेंज करने के लिए फरमानी नाज आ रही हैं। फरमानी अपने गानों में काफी ऊंचे ऊंचे सुर लगाती हैं। तो दोस्तों, आपको नेहा कक्कड़ और फरमानी नाज में से किसकी आवाज अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।